मौसम बारिश का है और बिहार वाले नीतीश कुमार को राजनीतिक मौसम का सफल वैज्ञानिक माना जाता है, वो है भी। एक किस्सा आपको सुनाता और फिर बताऊंगा कि कब कब नीतीश कुमार ने पलटी मारी। किस्सा पुराना है, एक बार अटल जी की सरकार के खिलाफ विपक्ष वोटिंग करने वाला, देर रात तक बहस चल रही। जब नीतीश कुमार को बोलने की बारी आई, विपक्षी सांसद चिल्ला रहे थे, मालूम है क्या, क्या बिहारी प्रधानमंत्री बनेगा। नीतीश ने अपने भाषण का अंत इस वाक्य से किया था कि प्रधानमंत्री तो बिहारी ही बनेगा, नाम होगा अटल बिहारी। जी, ये वही नीतीश कुमार है, लगभग 17 साल बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके। जब भी कोई सहयोगी दल अपनी चलाने की कोशिश करता है, नीतीश दूसरी तरफ पाला बदल देते हैं। खैर, राजनीति भी यही होती है। मगर आप जानते हैं नीतीश कुमार ने कब कब पलटी मारी, किस किस को राजनीतिक झटका क्यों, कैसे और कब दिया, क्यों मिला उन्हें पलटू कुमार का तमका, ध्यान से सुनिएगा एक एक वाक्य। शुरुआत होती है 2013। क्या आप सिर्फ इसी तारीख के इर्द गिर्द घूमते हो? 2013 कब? जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार एनडीए ने घोषित किया, नीतीश एनडीए से अलग हो गए और 17 साल पुराना यह गठबंधन टूट गया था। आपकी याददाश्त में हो सकता है कि यही एक वाक्य हो। 2015 में उन्होंने पुराने सहयोगी लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन किया, लेकिन यह सरकार भी महज 20 महीने ही चल पाई। आरजेडी से अलग होने के बाद नीतीश ने एक बार फिर से एनडीए का दामन थामा और अब फिर से एनडीए का साथ छोड़ दिया। ये दो किस्से नहीं है जनाब, इतिहास के पन्नों को पलट के 5 किस्से हम लेकर आए। जब पता चला कि नीतीश ने पलटी मारी, शुरुआत करते हैं साल 1994 से। साल 1994 जब नीतीश कुमार ने अपने पुराने साथी लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़ दिया और लोगों को चौंका दिया। दोनों की जोड़ी जबरदस्त थी। जनता दल से किनारा करते हुए नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी का गठन किया। साल था 1995। बिहार विधानसभा चुनाव में लालू के विरोध में उतरे, लेकिन चुनाव में बुरी तरह से उनकी हार होती है। हार के बाद वो किसी के सहारे की तलाश में थे और इस तलाश को पूरा किया 1996 में। जी, वक्त आया 1996 का, जब बिहार में कमजोर माने जाने वाली यही बीजेपी नीतीश को सहारा देती है। बीजेपी से नीतीश ने हाथ मिला लिया। बीजेपी और समता पार्टी का यह गठबंधन 17 सालों तक चला। हालांकि इस बीच साल आया था 2003, जब समता पार्टी यानी कि जनता दल यूनाइटेड जो अब बन गए, जेडीयू ने बीजेपी का दामन थामे रखा और साल 2005 के विधानसभा चुनाव में शानदार जीत भी हासिल। और इसी के बाद वक्त बदलता है, साल आया 2013। तब तक दोनों साथ मिलकर सरकार चलाते हैं, यानी बीजेपी और नीतीश कुमार, जेडीयू। फिर साल आता है 2013 का, जिसका मैंने जिक्र किया। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में तय किया कि 2014 के लिए नरेंद्र मोदी उनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। नीतीश कुमार को यह रास नहीं आया, उन्होंने बीजेपी से 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया, कहा कि मंजूर नहीं है नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाना। दरअसल नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार के वैचारिक मतभेद बहुत पुराने थे। आरजेडी के सहयोग से सरकार चला रहे नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। कुर्सी अपनी सरकार के मंत्री और दलित नेता जितिन राम मांझी को सौंप दी और वो खुद बिहार विधानसभा चुनाव 2015 की तैयारियों में जुट गए। फिर एक और लम्हा आता है, जिसका मैंने जिक्र भी किया, लोकसभा चुनाव और 2014 का। बीजेपी से पटकनी खा चुके नीतीश कुमार ने साल 2015 में एक बार फिर से सबको चौंका दिया, जब पुराने सहयोगी लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के साथ मिलकर एक महागठबंधन तैयार किया और फिर पलटी मार दी, विधानसभा चुनाव लड़ा। इस चुनाव में आरजेडी जेडीयू से ज्यादा सीटें जीत कर आती है, जादू दिखाई देता है आरजेडी का। बावजूद इसके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव, जिनका चमत्कार माना गया था इस चुनाव में कि तेजस्वी ने चमत्कार करके दिखा दिया, वो उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम के पद पर बैठते हैं। और छोटे बेटे के बाद बारी आती है बड़े बेटे की, यानी कि तेज प्रताप यादव की। तेज प्रताप को स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मा मिलता है, मगर नीतीश फिर पलटी मार देते हैं। 20 महीने तक दोनों पुराने साथियों की सरकार ठीक ठाक चल रही थी,
लेकिन वक्त आता है 2017 का, याद कीजिए 2017 का, 5 साल पहले का। 2017 में क्या हुआ था, जब दोनों पार्टियों में खटपट शुरू हुई, तेजस्वी और नीतीश, चाचा भतीजे में अनबन। अप्रैल 2017 में शुरू हुई खटपट जुलाई तक चली, बहुत गंभीर रूप अख्तियार किया चाचा भतीजे की जंग, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक रणनीति तैयार की और उस रणनीति के आधार पर इस्तीफा दिया, जैसे कि अब दिया। विधानसभा में बीजेपी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी थी, इसलिए बीजेपी ने तय किया रणनीति के आधार पर कि हम मध्यावधि चुनाव में नहीं जाएंगे, पुराने सहयोगी को समर्थन देंगे, यानी कि नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। सत्ता पलट का यह पूरा घटनाक्रम नाटकीय तरीके से 15 घंटे के भीतर, अब एक बार फिर से नीतीश कुमार ने पलट लिया, यानी जब जैसी हो जरूरत बदल दो नीति, जब जैसी हो जरूरत बदल दो नीति, यही है नीतीश कुमार की भी राजनीति। कुल मिलाकर इस सियासी घटनाक्रम में यही समझ में आता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।